तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं, मैंने अपने फ़ोन को अपने जैसे चार्जर से यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर गाइस आप देखते हैं हमारा फ़ोन जैसे चार्जर में कनेक्ट होता है और यहाँ पर फ़ोटो लग के आ रही है। अब दोस्तों अगर आप भी अपनी चार्जिंग स्क्रीन पर फ़ोटो लगाना चाहते हैं, अपने दोस्तों को चौंकाना चाहते हैं, दोस्तों काफ़ी आसान है। आप जैसे ही अपने फ़ोन को चार्जर से कनेक्ट करेंगे, तुरंत दोस्तों आपकी फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। जो भी फ़ोटो आप लगाएंगे, यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए एक लड़की की फ़ोटो लगा रखी है, लेकिन आप जिस भी फ़ोटो को लगाना चाहते हैं आप उस फ़ोटो को लगा सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा तभी कर पाएंगे, अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे तब नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, अगर फर्स्ट टाइम चल पाए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन की चार्जिंग स्क्रीन पर फ़ोटो लगाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले आपको कैसे सेट करना है ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब गाइस आप जैसे एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको इनेबल एनिमेशन की सेटिंग होगी, तो ये अगर बंद तो इसे आपको इस तरीके से ऑन कर देना है। उसके बाद बैक आना, ऊपर आपको कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन हैं, अगर आप चाहे तो इनमें से कोई सेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको फ़ोटो लगानी है तो यहाँ पर आना, आपको गैलरी में ले जाएगा। अब आप जिस भी फ़ोटो को लगाना चाहते हैं आपको वो फ़ोटो सेलेक्ट करनी, जैसे कि मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट किया है जस्ट आपको दिखाने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे फुल स्क्रीन पर भी ऐसे लगा सकते हैं, या फिर छोटा करना चाहें तो छोटा करके लगा सकते हैं। चलिए मैं फुल स्क्रीन पर ही लगा के आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर आप जैसे टैप करेंगे तो आपको ड्रॉ ओवर अदर ऐप्स की परमिशन देनी होगी, तो यहाँ पर आपको ले जाएगा। और अब आपके सामने थोड़ा सा इंतज़ार करना है और यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन का नाम ढूंढ लेना और इस परमिशन को जो है ऑन कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बैक आना है और यहाँ पर आपको दो सेटिंग करनी है। आपको फर्स्ट नंबर पर इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑलवेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको इस ऑलवेज पर टैप करना है और यहाँ पर सिंगल टैप टू हाइड, तो इसे आपको डबल टैप टू हाइड एनिमेशन पर सेट करके अप्लाई कर देना है। और बस दोस्तों उसके बाद आपको बाहर निकल आना है इस एप्लीकेशन से। अब चलिए दोस्तों मैं अपने चार्जर से कनेक्ट करता हूं और आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर गाइस मैंने जैसे ही चार्जर से कनेक्ट किया और यहाँ पर आप देखते हैं पूरी फुल स्क्रीन पर फ़ोटो लग के आ रही है। वाओ, कितना कमाल का दोस्तों लग रहा है हमारी फ़ोन की स्क्रीन। और यहाँ पर आप देखते हैं, मैं जैसे ही एक बार यहाँ पर आपको लगा के एक बार फिर से दिखाता हूँ और यहाँ पर अब मैं एक बार फिर से कनेक्ट करता हूँ, जैसे मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते फ़ोटो लग के आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने चार्जर पर फ़ोटो लगा सकते हैं स्क्रीन पर। अब अगर बात करें इस एप्लीकेशन की, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में आना है और सर्च करना बैटरी चार्जिंग एनिमेशन, ये इसका लोगो हो, ये एनिमेशन है और इसे दोस्तों आपको डाउनलोड करना है। 10 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड है, तो आप सोच सकते हैं कितनी पावरफुल एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी चार्जिंग स्क्रीन पर फ़ोटो लगा सकते हैं। यही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।